Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. It is my email ID and this time I am going to start a new topic, Distance Education. दूरस्थ शिक्षा. तो यहाँ चूंकि पहली बार हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन पर बात करने जा रहे हैं, तो डिस्टेंस एजुकेशन का कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन एंड हिस्ट्री सब जानेंगे. ओके, सो एंड दिस लेक्चर विल बी ऑब्वियसली यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू. सो लेट स्टार्ट. डिस्टेंस एजुकेशन का कंसेप्ट, दूरस्थ शिक्षा. देखिए, इस वक्त तो हम लोग बहुत नाम सुनते हैं, इग्नू का नाम सुनते हैं, UPRTOU का नाम सुनते हैं, यूपी वाले, है ना. तो ये दूरस्थ शिक्षा अब हमारे लिए मतलब इतना इतना कोई ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड कंसेप्ट नहीं है. लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसकी जरूरत महसूस हुई और कैसे ये इस वक्त समय की मांग बन गया है, ये हमको देखना है. तो एज द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर ग्रोइंग एंड द नंबर ऑफ लर्नर्स इंक्रीजिंग, कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज टू फुलफिल दिस, है ना. जैसे कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जितने लोग मतलब होंगे उतने लोगों को पढ़ाने लिखाने की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ लर्नर्स बढ़ते जा रहे हैं और हमारे पास रिसोर्सेज उतने हैं नहीं. हम रिसोर्सेज संसाधनों की दृष्टि से देखा जाए तो हम कम पढ़ते हैं उनकी इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कि हम उनको क्लासरूम में फेस टू फेस बैठा कर पढ़ा पाएं. दस इट बिकम्स इम्परेटिव टू डेवलप सब्सटेंशियल मीन्स ऑफ इंश्योरिंग दैट द एजुकेशनल नीड्स ऑफ मोस्ट लर्नर्स कैन बी मेट. तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा साधन निकालना पड़ेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकें. वन सच प्रोमिनेंट मीडियम इज द डिस्टेंस एजुकेशन मोड. इसी तरीके का एक बहुत बढ़िया माध्यम दूरस्थ शिक्षा का मोड है. डिस्टेंस एजुकेशन प्राइमरीली स्टैंड फॉर लर्निंग एट अ डिस्टेंस. जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि लर्निंग एट अ डिस्टेंस मतलब हम पास बैठकर पढ़ नहीं रहे, हम दूर हैं. कौन दूर है? लर्नर और टीचर. More specifically, distance education entails geographic separation of the teacher and the student in terms of time and place. देखिए बहुत खास बात, दूर तो है, geographical separation है. हो सकता है आप दूसरे शहर में हो, हम दूसरे शहर में हो, और ये भी हो सकता है, ये भी संभव है कि समय आपके यहाँ जो हो रहा हो वो हमारे यहाँ ना हो रहा हो, मतलब कि हम दूसरे देश के भी हो सकते हैं, है ना. एंड प्लेस. In a distance education mode, the learner acquires information from the comfort of his home or office or any place where he or she wants to learn from. यानी कि आप कह सकते हैं कि लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल डिस्टेंस एजुकेशन मोड है, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो आपका शिष्य है, जो आपका विद्यार्थी है, अधिगम करता है, सीखने वाला है, शिक्षार्थी है, वो अपने कंफर्ट जोन में पड़ता है. मतलब कि जब उसका मन किया अभी आपको वहां तक पहुंचेंगे कि मैटर उसको मिल गया है, ऑनलाइन अवेलेबल है, तो एक क्लिक पर जब उसको सुविधा है, सुविधा है, वो अपने घर पर है, ऑफिस में है, या जहां से भी वो पढ़ना चाहता है वहां से वो पढ़ सकता है. ये बहुत बड़ी बात है. लेकिन सॉरी, ट्रेडिशनल मोड में क्या होता है कि जो आपकी टाइमिंग कॉलेज की है, स्कूल की है, इंस्टीट्यूशन की है, उस टाइमिंग पर, उस क्लास टाइमिंग पर आप आएंगे, तभी आपको आपके टीचर का से इंटरेक्शन हो सकता है ना. द डिस्टेंस लर्निंग मेथड ऑफ एजुकेशन प्राइमरीली है स्टूडेंट आ गया निकल के द डिस्टेंस लर्निंग मेथड ऑफ एजुकेशन प्राइमरीली है स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड वेयर इन द रोल ऑफ द टीचर इज रिड्यूस्ड टू दैट ऑफ ए सपोर्टर. क्योंकि जब बालक पढ़ रहा होता है तो उसका अध्यापक उसके साथ नहीं होता है, इससे अध्यापक की भूमिका यहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चे की सहायता के लिए है, विद्यार्थी की सहायता के रूप में है, सहायक के रूप में. डिस्टेंस एजुकेशन इन एन ऑल्टरनेट इज एन ऑन होना चाहिए इज एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच टू क्लासरूम टीचिंग इज फास्ट गेनिंग पॉपुलैरिटी नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोलिंग इन द वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड बाय दिस मोड ऑफ एजुकेशन. वो कह रहे हैं कि जो दूरस्थ शिक्षा है वो एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है. मतलब तरीका क्या था, ट्रेडिशनल था, क्या था कि आप कॉलेज में क्लास में जाएंगे, फेस टू फेस बात होगी, शिक्षक आपके सामने होगा रियल टाइम में, सॉरी थोड़ा लेट हो गया, और शिष्य उसके सामने होगा. लेकिन जैसे ये कंसेप्ट आया कि हम कहीं से भी बैठकर पढ़ सकते हैं, कहीं से भी एनरोल हो सकते हैं, दूसरे देश के हो सकते हैं, दूसरी जगह के हो सकते हैं, हमको जाना नहीं पड़ेगा, तो इस कंसेप्ट ने बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी गेन हुई, बहुत जल्दी ये पॉपुलर हो गया, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अक्रॉस द ग्लोब. और आपको पता ही है कि आप हिस्ट्री जानेंगे कि सबसे पहले कहाँ हुआ है, ऑब्वियसली इंडिया से बाहर ये कंसेप्ट पहले आया,
विद ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोलिंग ना, कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर है, बहुत स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं. देखिए आपके क्लासरूम की तो कैपेसिटी है 100, 200, 300 मैक्सिमम, पर यहाँ तो आप नंबर ऑफ थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी एनरोल्ड इन इन एनी कोर्स है ना ऑफर्ड बाई दिस मोड ऑफ एजुकेशन. फिर इसकी मीनिंग क्या है, अगर हम इसका अर्थ, इसकी परिभाषा से इसका अर्थ समझना चाहें, तो डिस्टेंस लर्निंग इज कन्वेंशनली डिफाइंड एज एनी एजुकेशनल और लर्निंग प्रोसेस और सिस्टम इन विच द टीचर एंड इंस्ट्रक्टर आर सेपरेटेड ज्योग्राफिकली और इन टाइम फ्रॉम हिज और हर स्टूडेंट्स और इन विच स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज. वो कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस लर्निंग है वो ऐसा शैक्षिक या अधिगम का प्रक्रिया है, तरीका है, जिसमें कि टीचर और इंस्ट्रक्टर क्या होता है ज्योग्राफिकली मतलब भौगोलिक रूप से या समय की दृष्टि से अपने जो शिष्य हैं, अपने जो विद्यार्थी हैं, उनसे दूर होता है, उनसे अलग होता है, या विद्यार्थी हैं वो आपस में भी एक दूसरे से अलग है. क्लास की तरह से आप पीयर ग्रुप की तरह से नहीं बैठे हैं, आप किसी दूसरे शहर के हैं, वो किसी दूसरे शहर का है, सब दूर दूर है, अलग अलग है. एजुकेशनल रिसोर्सेज भी सेपरेटेड है, वो कहीं और आपको ऑनलाइन दुनिया में उपलब्ध है ना. कभी कभी आपको कॉरेस्पॉन्डेंट से भी भेजा जाता है, मतलब बाई पोस्ट. अब ये कल्चर वैसे खत्म हो गया है. मोर डिफाइंड डिस्टेंस एजुकेशन एज ऑल अरेंजमेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन थ्रू प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडिया टू पर्संस एंगेज्ड इन प्लान्ड लर्निंग इन ए प्लेस और टाइम डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इंस्ट्रक्टर और इंस्ट्रक्टर्स. मूर जो है वो डिफाइन करते हैं कि वो मूर ने ही डिस्टेंस टीचिंग का टर्म भी दिया था, है ना, ये तो इनका नाम है डिस्टेंस एजुकेशन के क्षेत्र में. ये डिफाइन करते हैं कि सारे जो अरेंजमेंट है इंस्ट्रक्शन देने के लिए, चाहे वो प्रिंट मीडियम से दिए जा रहे हैं या आपको कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडिया से दिया जा रहा है, उसमें क्या है प्लान्ड लर्निंग है. ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कभी भी आपको दे रहे हैं, कभी भी आप बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये जरूर फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको आना नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्लान्ड है, मतलब हमने तय किया है कि सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या है, कब आपका इवेल्युएशन होगा, कैसे होगा, तो ये प्लानिंग है और डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दी, और बस समय या स्थान डिफरेंट हो सकता है इंस्ट्रक्टर या इंस्ट्रक्टर के बीच में. और डिस्टेंस एजुकेशन इज यूज सिनोनिमसली, मतलब इसको पर्यायवाची के रूप में यूज किया जाता है बहुत सारे शब्दों के साथ, जैसे डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, वर्चुअल लर्निंग, ओपन लर्निंग, एक्सटेंशन कोर्सेज, लेकिन सब में कुछ ना कुछ अंतर है. कोई भी चीज एक जैसी नहीं, अगर एक जैसी होती तो सबका एक ही नाम होता ना, सबके नाम अलग अलग है, मतलब सबका काम अलग अलग है, ठीक है. और अगर जानना चाहे तो मूर इसको और बेहतर तरीके से डिफाइन करते हैं कि इज मोर एक्सप्लिसिट इन हिज व्यूज ऑन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन. अकॉर्डिंग टू हिम डिस्टेंस टीचिंग में भी डिफाइंड एज दी, इन्होंने डिस्टेंस टीचिंग टर्म दिया है ना, इसलिए डिस्टेंस टीचिंग का नाम ले रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन नहीं ले रहे हैं अपनी डेफिनेशन में. द फैमिली ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स इन विच द टीचिंग बिहेवियर्स आर परफॉर्म्ड अपार्ट फ्रॉम लर्निंग बिहेवियर्स इंक्लूडिंग दोज दैट इन अ कंटिन्यूअस सिचुएशन वुड बी परफॉर्म्ड इन द लर्नर्स प्रेजेंस. That communication between the teacher and the learner must be facilitated by print, electronic, mechanical or other devices. क्या कह रहे हैं ये? ये कह रहे हैं कि जो distance teaching है वो एक family है, मतलब एक तरीका है instructional method का, जिसमें कि शिक्षक का जो व्यवहार है वो learning के व्यवहार, learner या learner के learning के behavior से अलग है. मतलब कि मान लीजिए कि लेक्चर अपलोड किया गया है आपके कोर्स में, तो टीचर तो अलग समय में पढ़ा रहा है ना, और बच्चा जो है उसको अलग समय में देख रहा है, तो दोनों अलग अलग हैं. लेकिन क्लासरूम में क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया और आपने तुरंत आपका बिहेवियर हम देख लेते हैं, रिएक्शंस देख लेते हैं, तो वो एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है, एक के बाद होता है, पर यहाँ पे अपार्ट है, एक दूसरे से दूर है. और जो लर्नर की प्रेजेंस है, तो हम क्या कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर, तो क्या होगा, कैसे पढ़ाई होगी, टीचर और लर्नर जब आपस में कभी कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो करेंगे कम्युनिकेट कैसे करेंगे, या तो प्रिंट मीडियम से, या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, या मैकेनिकल या अदर डिवाइसेस से. हम आपको मेल कर सकते हैं, चिट्ठी भेज सकते हैं, या कुछ और कर सकते हैं. द टर्म डिस्टेंस टीचिंग वाज कॉइन्ड बाय मूर, है ना, 1972 में मूर ने ही डिस्टेंस टीचिंग का टर्म दिया, या मूरे भी हो सकता है, इनको प्रोनाउंस किया जाता है, नाम है. फिर होमबर्ग जो है 1981 में डिफाइन करते हैं कैसे, कि डिस्टेंस एजुकेशन इज द काइंड ऑफ एजुकेशन विच कवर्स द वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्टडी एट ऑल लेवल्स विच आर नॉट अंडर कंटिन्यूअस इमीडिएट सुपरविजन ऑफ ट्यूटर्स प्रेजेंट विद देयर स्टूडेंट्स इन लेक्चर रूम्स ऑन द सेम प्रीमाइसेस बट विच नेवरदलेस बेनिफिट फ्रॉम द प्लानिंग गाइडेंस एंड ट्यूशन ऑफ ए ट्यूटोरियल ऑर्गेनाइजेशन. देखिए ये सारी डेफिनेशन क्या बता रही हैं कि बहुत तरीके की स्टडी का लेवल है, कंटिन्यूअस इमीडिएट सुपरविजन यहाँ पे नहीं हो पाता है, लेकिन लेक्चर रूम आपको सेम प्रमाइसेस में नहीं मिलता है, बट
आपको प्लानिंग, गाइडेंस और ट्यूशन एक ट्यूटोरियल ऑर्गेनाइजेशन की ये हेल्प मिलेगी, ये लाभ मिलेगा। प्लानिंग हो रही होगी, कहीं ना कहीं आपको गाइड किया जाएगा, कोई दिक्कत होगी तो ट्यूशन मटेरियल, ट्यूशन सपोर्ट आपको मिलेगा। इस तरीके का ये डेफिनेशन है डिस्टेंस एजुकेशन की। फिर अगर इन्हीं डेफिनेशन से हम निकालना चाहें कि इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन की विशेषता क्या है, तो कीगन ने 1980 में 6 कैरेक्टरिस्टिक बताए। सबसे पहली बात, सेपरेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। अगर बच्चा और शिष्य, शिक्षक साथ साथ हैं तो वो डिस्टेंस एजुकेशन नहीं है, अलगाव जरूरी है। अलग होंगे, ज्योग्राफिकली अलग हो सकते हैं, टाइम अलग हो सकता है, प्लेस अलग हो सकता है। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि हैफजर्ड है, कुछ भी है, कुछ भी चल रहा है डिस्टेंस एजुकेशन, नहीं। एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है, मतलब संगठित एक प्रयास किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि आपको डिस्टेंस मोड से शिक्षा दी जाएगी। यानी कि इसमें एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्लान्स, यहाँ भी योजना बनाई जाती है, डिजाइन बनाई जाती है, विकसित किया जाता है, डिलीवर किया जाता है और सपोर्ट किया जाता है कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स को। बस बेसिक अंतर क्या है कि फ्लेक्सीबिलिटी है, आपको आना जरूरी नहीं है, मिलना जरूरी नहीं है रोज रोज। फिर मल्टीमीडिया के यूज के बिना तो हो ही नहीं सकता है। अब आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि किस मोड से शुरू हुआ था और आज किस मोड में पहुंच गया है। फिर प्रोविजन ऑफ टू वे कम्युनिकेशन, संवाद दोनों तरफ से होना चाहिए, आप भी कभी कभी संवाद करेंगे, शिक्षक तो करेगा ही। लर्नर्स एज इंडिविजुअल्स रादर देन इंगेज, यहाँ पे लर्नर को इंडिविजुअल माना जाता है। और इंडस्ट्रियलाइज्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन है, क्या इसका मतलब है कि ऑटो पियर्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड डिस्टेंस एजुकेशन आफ्टर एनालाइजिंग इट्स सिमिलैरिटीज विद इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस। वो कह रहे हैं कि आप इसको इंडस्ट्रियलाइज्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन कहिए, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस के साथ डिस्टेंस एजुकेशन की सिमिलैरिटी मिलती है। कैसे? मास प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग मटीरियल, हम बहुत बड़ी संख्या में लर्निंग मटेरियल बना रहे हैं, उसको बांट रहे हैं। डिवीजन ऑफ लेबर भी है कि कौन क्या पढ़ाएगा, कैसे क्या होगा, इवेल्युएशन कौन करेगा, मटेरियल तैयार कौन करेगा, भेजने का काम कौन करेगा। फिर लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्टरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड काउंसलर्स इन द लेआउट्स ऑफ ऑपरेशनल यूनिट्स रिक्वायर द यूज ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एन इंडस्ट्री। वो कह रहे हैं जैसे कि एक इंडस्ट्री में प्रैक्टिसेस होती हैं कि बहुत सामान बनता है, बांटा जाता है, तय होता है कि कौन क्या करेगा, सब एडमिनिस्टर किया जाता है, कोऑर्डिनेशन होता है, उसी तरीके से डिस्टेंस एजुकेशन में भी होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये एजुकेशन का एक इंडस्ट्रियलाइज्ड फॉर्म है। तो इतनी कैरेक्टरिस्टिक डिस्टेंस एजुकेशन में होनी चाहिए दूरस्थ शिक्षा में। अब आते हैं इसकी हिस्ट्री पे, कहां से शुरुआत हुई। द ओरिजिन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द मिड 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं शताब्दी के बीच से कहीं यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी बात चल रही है। द पायनियर्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूज द बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द टाइम, यानी कि जब भी डिस्टेंस एजुकेशन की बात हुई है तो उस वक्त की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो इसमें यूज होती रही। जैसे कि शुरुआती दिनों में पोस्टल सिस्टम। फिर किसको माना जाता है पायनियर डिस्टेंस एजुकेशन में, तो इजैक पिटमैन का नाम आता है। इजैक पिटमैन इज कंसिडर्ड टू बी एन अर्ली पायनियर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। ही एस्टैब्लिश्ड अ शॉर्टहैंड कोर्स इन इंग्लैंड इन 1840। देखिए 1840, मतलब अगर 1940 के आसपास पहुंचने वाले हैं तो लगभग 200 साल पहले इजैक पिटमैन ने शुरू किया कि एक शॉर्टहैंड कोर्स डिस्टेंस मोड से इंग्लैंड में शुरू किया। इन द 19th सेंचुरी geographic isolation from schools and dispersed religious congregations led to the development of religious correspondence education in the United States. तो यूनाइटेड स्टेट में 19वीं शताब्दी में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि धार्मिक शिक्षा जो है वो पत्राचार के माध्यम से शुरू हुई। Demand by the industry, government and the military in terms of vocational training pushed learning to new levels. फिर जैसे जैसे industrialization आया, government को, military को vocational training की जरूरत पड़ी कि बहुत ऊंची नए स्तर तक, मतलब बहुत हम लोगों को लगातार जाना है, अपडेट रहना है, vocational training देनी है सबको। तो क्या हुआ कि in Europe mail order courses were established in the middle of the 19th century. यानी कि आपको course order करेंगे, mail कर दिया जाएगा आपको से या बाई पोस्ट या जो भी उस वक्त सुविधा उपलब्ध रही हो। फिर द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी इमर्ज्ड एज अ लीडर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन अमेरिकन हायर एजुकेशन। यानी कि अमेरिकी उच्च शिक्षा में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जो है 19वीं शताब्दी के अंत तक एक पायनियर के रूप में उभरा, एक लीडर के रूप में उभरा जो डिस्टेंस एजुकेशन पे बहुत काम कर रहा था। फिर क्या हुआ, इन्वेंशन ऑफ रेडियो इन द 1920s एंड टेलीविजन इन द 1940s प्रूव्ड टू बी द वाइटल न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर यूज इन डिस्टेंस एजुकेशन। अभी तो क्या था, घर घर हमको भेजना है, डाक से भेजना है, लेकिन रेडियो आ गया 1920 में,
जिसमें कि आप बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग सुन सकते हैं, कहीं भी उसका मतलब ट्रांसमिशन हो सकता है। और टेलीविजन आ गया, यानी कि आप देख भी सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं, और कितने हजारों लोगों तक आपकी पहुंच, लाखों लोगों तक हो सकती है। तो ये एकदम मतलब बूस्टअप कर दिया इसने डिस्टेंस एजुकेशन को। दीज मीडिया वर यूज बाई एजुकेटर्स टू ब्रॉडकास्ट सेवरल एजुकेशनल प्रोग्राम्स टू मिलियंस ऑफ लर्नर्स, है ना, करोड़ों जो हैं शिष्यों तक, सीखने वालों तक इनके द्वारा ब्रॉडकास्ट किए गए बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स। और डिस्टेंस एजुकेशन बहुत फ्लरिश हुआ। फिर क्या हुआ, इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन्स। अब टेलीफोन आ गए, ऑल्सो इनेबल्ड द एजुकेटर्स टू रीच आउट टू ए लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन डिस्टेंस एजुकेशन। तो आप फोन पर भी बात करना हमारे लिए ईजी हो गया। इसने भी डिस्टेंस एजुकेशन को अच्छा किया, बड़ा किया, फैलाया। The role of telephones, however, become prominent after teleconferencing technologies were introduced in the late 1990s. फिर क्या हुआ, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग मतलब दूर से कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती, टेली का मतलब होता है दूर, है ना, कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती, यानी कि हम यहाँ से बात कर लेंगे, आप वहां से बात कर लीजिए। 1990 के अंत में ये हो गया। फिर क्या हुआ, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इनेबल्ड टीचर्स टू कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स इन रियल टाइम, गिविंग न्यू डायमेंशन टू डिस्टेंस एजुकेशन। ये कितनी खास बात है, हम लोग ये सब अब समझते नहीं है, बिकॉज ये सब हम लोगों के लिए इजिली अवेलेबल है, रियल टाइम है, यानी कि जिस टाइम आप फोन करेंगे उसी टाइम आपकी टीचर से बात हो जाएगी। ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग ने और टेलीफोन ने हमको सुविधा मुहैया कराई। नहीं तो पोस्ट में क्या होता था कि आप भेजेंगे, उन तक पहुंचेगा, फिर वो जवाब देंगे, फिर आप तक पहुंचेगा, तो बहुत टाइम गैप हो जाता था। फिर क्या हुआ, द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स आ गए, फर्दर इनेबल्ड दी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड फर्दर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। यानी कि इसने डिस्टेंस एजुकेशन के विकास में बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। द यूज ऑफ इंटरनेट इनेबल्स ईजी एक्सचेंज ऑफ वीडियो, ऑडियो एंड टेक्स्ट फाइल्स एमंग द वेरियस पार्टीज इन्वॉल्व इन डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स। मतलब अब क्या हुआ, अब तो आप कुछ भी भेजिए, वीडियो भेजिए, ऑडियो भेजिए, टेक्स्ट फाइल भेजिए, और आप तुरंत विद इन द सेकेंड्स, है ना। तो इंटरनेट ने क्या किया, की रोल इन एनेबलिंग पीपल टू एक्सेस डिस्टेंस एजुकेशन एंड हैज गिवन राइज टू व्हाट इज नोन एज वर्चुअल लर्निंग। तो इसने ही ये कंसेप्ट लाया है वर्चुअल लर्निंग का, जब इंटरनेट आ गया तो। ठीक है, अब डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया क्या हिस्ट्री है। इंडिया में क्या हुआ कि डिस्टेंस एजुकेशन टर्शियरी लेवल पे पहले शुरू हुआ, यानी उच्च शिक्षा के स्तर पे। अब आपको पता है कि NIOS भी आ गया है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी स्कूल लेवल पे भी ओपन एजुकेशन की बात हो गई, लेकिन शुरुआत हायर एजुकेशन से हुई थी 4 decades back, यानी कि 4 साल लग है, ये 1960 की बात है, मतलब लगभग अब तो 6 दशक हो जाएंगे, तो पुराना चूंकि ये राइटअप है इसलिए 4 decades back दिखा रहा है। एंड एट द सेकेंडरी लेवल अबाउट 35 years back, द कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन स्कीम वॉज इंक्लूडेड इन द 3rd 5-year plan, यानी कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 1966 के बीच में, इसमें सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन की स्कीम इंक्लूड हुई। एन एक्सपर्ट कमिटी वॉज एस्टेब्लिश इन 1961 टू वर्क ऑन द डिटेल्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन स्कीम। एक एक्सपर्ट कमिटी बिठाई गई कि भैया कैसे होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन कैसे चलाई जाए। बाय द 1970s द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज दैट ऑफर डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज इंक्रीज। 1970 तक आते आते बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो थी वो डिस्टेंस एजुकेशन में कोर्सेज देने लगी, एज डिड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इनरोल्ड इन सच कोर्सेज, और बच्चे भी बढ़ने लगे जो इन कोर्सेज में इनरोल हो रहे थे। तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी भारत में बनी है ओपन यूनिवर्सिटी, वो आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी है 1982 में, और उसके बाद इग्नू बना है 1985 में। अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला सवाल है, तो लोग चूंकि इग्नू को जानते हैं तो इग्नू को टिक कर देते हैं, बट राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। फिर बहुत सारी स्टेट लेवल की भी ओपन यूनिवर्सिटीज बनी जो डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज देने लगी। उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन स्टेट लेवल भी शुरू हो गया, सॉरी स्कूल लेवल शुरू हो गया 1965 के आसपास, बिकॉज ऑफ द डिसमल परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स इन द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। माध्यमिक शिक्षा का एग्जामिनेशन था, उसमें जो प्राइवेट कैंडिडेट थे बहुत बेकार परफॉर्म कर रहे थे, तो सोचा गया क्यों ना स्कूल एजुकेशन को भी हम डिस्टेंस मोड से दें, ताकि क्वालिटी एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का जो बोर्ड था सेकेंडरी एजुकेशन का, वॉज द फर्स्ट वन टू टेक द इनिशिएटिव टू स्टार्ट कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स। जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में एग्जाम देते थे उनको सुविधा प्रदान करने के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश के सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स को चलाने का इनिशिएटिव लिया। फिर इन 1979 विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ओपन स्कूल प्रोजेक्ट अ मेजर बूस्ट वॉज प्रोवाइडेड टू डिस्टेंस एजुकेशन इन जनरल एंड टू कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज एट स्कूल लेवल। फिर ओपन स्कूल प्रोजेक्ट बना 1979 में,
इसका एम क्या था कि जो एज ग्रुप 14+ है, यानी कि जो 14+ के बच्चे हैं उनको हम एजुकेशनल नीड्स और डिमांड उनकी पूरी कर पाए, खास तौर से उनके लिए जो फॉर्मल स्कूलिंग से शिक्षा अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। फिर 1989 में नेशनल ओपन स्कूल बना दिया गया और उसको कहा गया, उसको अथॉरिटी मिली कि वो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज का सर्टिफिकेट एग्जाम कंडक्ट करा सकती है। तो ये एक बड़ी बात हुई कि आप एग्जाम होगा और फिर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा इन कोर्सेज का। आई थिंक खत्म। यस, तो डिस्टेंस एजुकेशन क्यों इसकी जरूरत ही पड़ी? बिकॉज इतने लोग हैं, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, रिसोर्सेज आपके पास उतने हैं नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके इसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन शुरुआत 1840 से हो चुकी है। फिर जैसे जैसे आपका मीडिया डेवलप होता रहा वैसे वैसे, और इंटरनेट ने तो एकदम क्रांति ला दी है डिस्टेंस एजुकेशन के लिए। और आपको हिस्ट्री किसने कब चलाया, हिंदुस्तान में कब कैसे आया, और कैरेक्टरिस्टिक की सबसे खास बात है कि ज्योग्राफिकल सेपरेशन बिटवीन टीचर एंड लर्नर। और सपोर्ट तो है ही, सपोर्ट सिस्टम ऑफ सपोर्ट, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज इन डिस्टेंस एजुकेशन एक अपने आप में एक नया कंसेप्ट रहता है। पूछे जाते हैं सवाल उस पर भी, उस पर बाद में बात हो जाएगी। ठीक है, सो आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।